FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. Is FM 100. Listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. FM 100. 100. 100. Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एफ एम मंडी पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी के साथ आज आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुलाकात प्रोग्राम आपको बता कि आप सुनते हैं मेरे साथ, देखते हैं मेरे साथ हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक। और इसमें मुलाकात हम कराते हैं आपकी ऐसे शख्सियात से कि जिन शख्सियात को आपने या तो सुना होता है या उनको देखा होता है या उनसे शायद कभी आपका रब्ता हुआ भी हो किसी शो में, किसी गैदरिंग में, किसी शूटिंग पर, किसी जगह, मगर बाकायदा उनसे बात आपकी नहीं होती या आप उनके बारे में सही जान नहीं पाते। और ये आपकी एक जस्तजू, एक तजस्सुस होता है कि काश के कुछ पता चल जाए कि ये क्या करते हैं, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इनकी ये सक्सेसफुल स्टोरी क्या है, क्या सब कुछ है। तो यही सब कुछ जानने और बताने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने इस प्रोग्राम में अपने मौजूद शख्सियात से कि जिन्हें वाकई एक उम्र गुजर गई इस दर्द की स्याही में। तो आज की मुलाकात भी बड़ी जबरदस्त सी मुलाकात है और ये मुलाकात बहुत यादगार मुलाकात है और इंशाल्लाह यादगार रहेगी। और इस यादगार मुलाकात में आप भी शामिल हो सकेंगे अपने मैसेजेस के जरिए। आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकेंगे और उसके लिए सिंपल सा तरीका ये कि अपने मोबाइल के आप ऑप्शन पे जाएंगे और वहां जाकर आपने मैसेज लिखना है कि HI लिखना है और स्पेस देके और फिर उसके बाद अपना मैसेज के बाद 363 पर सेंड कर देना। सिंपल सी बात है, जो आम सी बात है, आपको पता ही है, कोई खास बताने की बात नहीं है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को आप देख भी सकते हैं, हमारे FM 100 पाकिस्तान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर भी आप इसकी वीडियो जो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे ऑफिशियल पेज पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में। और जनाब इसके लिए ये मुलाकात का बाकायदा सिलसिला जो है शुरू करते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक और वक्फा बहुत जरूरी है। FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Yeah.
जी जनाब, हम आ चुके हैं अपनी मुलाकात की जानिब और अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की मुलाकात का। और हमारी आज की मुलाकात बड़ी म्यूजिकल सी मुलाकात है। बहुत सारे खूबसूरत नगमे, बहुत सारी देखा जाए तो कुछ फिल्म भी होती हैं, शुरू में माजी में फिल्म भी, कुछ फिल्मों में भी माशाल्लाह अपनी अदाकारी की जौहर दिखाए। और सिंगिंग में तो पॉप म्यूजिक जब शुरू हुआ, जब स्टार्ट हुआ, ये मैं इसको देखा जाए, अगर कहा जाए तो बाकायदे तौर पर इस फील्ड में मेरे ख्याल में यूँ समझ लें आज से एक आधी सदी पहले की बात है, तो गालिबन तकरीबन 1970-71 की बात है ये, कि जब इन्होंने एंट्री मारी एक नई जिद्दत और नई आवाज़ और नई खूबसूरत से एक म्यूज़िक के साथ। आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहम्मद अली शैकी साहब से। शैकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे ठीक ठाक है? शकीब भाई आपको खैरियत से? ठीक ठाक है। आपके सामीन नाजरीन को भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। जी माशाल्लाह, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त जो है जो कहते हैं डॉन हमारे साथ मौजूद है। डॉन तो मैं हो गया हूँ तकरीबन, अब तो मतलब डॉन के करीब करीब पहुंच चुके हैं अब तो ये, और किसी वक्त भी अनाउंस कर देंगे आई एम डॉन ऑफ पाकिस्तान। और फिर इनके पीछे 11 नहीं तो मेरे ख्याल 22 मुल्कों की जो है वो पुलिस इनके पीछे लग जाएगी। हाँ, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए पुलिस को लगाना जरूरी होता है। खैर बहरहाल जी, और ये हम आते हैं कि बड़े खूबसूरत नगमे, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह इसे डर भैया, और फिर उसके बाद फिर हम रात बहुत हुए बहुत आफ होगा की, और फिर मैं भी पाकिस्तान हूँ, और फिर बेशुमार, मतलब कोई एक गिनती नहीं है, गिनने बैठे तो काफी लंबी लिस्ट है वो, और पूरा प्रोग्राम के अलावा भी टाइम चाहिए होगा उस लिस्ट को मेंटेन करने के लिए। 1970 का मेरे ख्याल में दौर था जब 76 का सबसे पहला सॉन्ग मैंने गाया, पहला सॉन्ग। उससे पहले मैं 73 से स्टेज पे शुरू हो चुका था। तो मतलब कैसे ये आप बेसिकली आपका ताल्लुक जो है वो ईरान से है, आप आपकी लैंग्वेज फारसी होगी फिर वहां तो? बिल्कुल, मादरी ज़बान पर्शियन है, पर्शियन जाज की बलोची भी समझ। तो पाकिस्तान में कैसे रहे और क्या ये सिलसिला कैसे ये शुरू हुआ शौक आपका, जो उस दौर में तो बच्चों को तो बहुत दूर रखा जाता था कि ये क्या नाच गाने वाले सिलसिले हैं और ये वो सिलसिला सारा ड्रामा हो, स्टेज हो, कुछ भी हो, बड़ा कहते ये क्या बड़ा अच्छा शौक नहीं है ये? ये बैरियर बड़ा सख्त बैरियर था जो मुझे तोड़ने में बहुत टाइम लगा, और मैंने सिर्फ ये प्रॉमिस किया था अपने डैडी को कि आई विल डू माय इंजीनियरिंग, सही, एंड देन आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो मेरे डैडी का बिल्कुल एब्सोल्युटली, यू फिनिश योर इंजीनियरिंग, शो मी द डिग्री, देन यू कैन गो एंड सिंग योर हार्ट आउट, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, फिल्में करो, गाने गाओ, ये गाओ। फिर वो एक प्रेडिक्शन करने वाले आए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आपका बेटा जो है ना ये अगर सीरियस हो गया स्टडी में वगैरह में तो ये किसी भी मुल्क का वजीर आजम बनेगा। क्या बात है, अगर अगर ये सीरियस, अगर ये सीरियस हुआ तो ये बनेगा, ना हुआ तो या फिल्म डायरेक्टर बनेगा, या एक्टर बनेगा, या सिंगर बनेगा, ये इसी तरह। तो फिर इसकी ये दो पटरियां, इधर निकल गया तो ये होगा, इधर निकल ये होगा। अब मैं अपने आप को पहचानना पड़ता है पहले कि हम हैं क्या। बेसिकली आई फेल्ट मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट का मतलब मैं गाने गॉड गिफ्टेड, मतलब एक होगी और गॉड गिफ्टेड चीजें भी होती है कुछ, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो चीजों को फील करता हूँ देखता हूँ वो डिफरेंट है लोगों से, आम लोग जो 95 वाले लोग हैं काफी डिफरेंट है। तो आई थॉट टू मायसेल्फ के यार ठीक है, इंजीनियरिंग भी तो कर तो ली है, काम भी कर लूंगा, ठीक है, सही है, मगर गाना कैसे छोड़ सकता हूँ? सही बात है, गाना या एक्टिंग। शुरू में तो मैं एज एन एक्टर एंटर हुआ था पाकिस्तान टेलीविजन में, जो कासिम जलाली का शो था, रमजान का शो था, उसमें अहले कुरैश की लड़ाई थी तलवारों के साथ। अच्छा, तो उससे मैं री एंट्री हुई, और मगर चूंकि उस वक्त मैं उससे आवाज इनकम्प्लीट, मैं फेस वगैरह कुछ बहुत ही दुबले पतले से स्मार्ट सा बंदा बिल्कुल था कि क्या अल्लाह की शान, तिनके में जान, तिनके में जान, क्या बात है, ये मैं कहना चाह रहा था, मैं कहा नहीं मैंने, अभी मैं सुनता हूँ, मैं पुराने के सॉन्ग्स देखता हूँ यूट्यूब पे, और वाकई ये लगता है, मतलब पुराने गाने जब आपके देखते तो आप में गिटार में तो फर्क नहीं लगता, आवाज कहीं और से आ रही है।
love this. So that was a long journey. बहुत लंबा सफर था. और मैं खुदा शायद सिर्फ अवार्ड लेने के लिए या आपके बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए या हेट होने के लिए किसी तरह मैंने कभी नहीं सोचा. अच्छा सही. मैंने ये सोचा मैं अपना काम अच्छा करूं. 100% नहीं तो कम से कम 60% 70% काम सही हो. मैं ऑनेस्टली देखूं मेरा काम सही है उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है. अब दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को पसंद करते हैं बहुत सारी चीजों को नापसंद करते हैं. तो वो यू कांट रियली हेल्प. वो तो अल्लाह के हाथ में होता है आपको हिट कर दे तो वो तो सही भाई इसमें कोई शक नहीं. कहते हैं अल्लाह ताला का निजाम एक अलग ही निजाम है वो. और वो मत जब वो किसी को उसने इज्जत देनी है ना तो सारे सबब और रास्ते खुद ही बना देते हैं खुद ही बना देगा. एब्सोल्युटली इंसान ना चाहते हुए भी वो काम कर रहा होता है. यही चीज मेरे साथ मतलब प्रोग्राम हो रहा है तो दूसरे आर्टिस्ट को सोच रहे हैं पता नहीं कहां से बुलाएं वो नहीं हुआ फिर मुझे ले लिया फिर पता नहीं ये हुआ वो यार ऐसा करो यार शेखी कोई ले लो यार वो कर लेगा ये और दूसरे को पता नहीं आए ना आए, तो, सही बात है. तो ये रस्ते बनते इस तरह बनते 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 ये जो झरने का ये सफर था फर्स्ट कलर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माइन वाज कलर. मैं कलर गाना था. जिंदगी में कभी कभी कलर डार्क भी होते हैं ना. हाँ होते हैं और डार्क कलर की बात ही कुछ और है. देखे ना दुनिया में हर किस्म के कलर का इंसान है. सही. अब वो जो चाइनीज है उनको चाइनीज अच्छी लगती है. बिल्कुल सही. और जो तंजानिया से है उसको तंजानिनी अच्छी लगेगी. सही. और जो पाकिस्तान से उसको पाकिस्तानी अच्छी लगेगी. तो ये एक बात है एक लंबा सा सफर है और बहुत कठिन सफर है. और मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए जिसकी वजह से मैं काफी पीछे रह जाता था. मैंने ये सोचा कि भाई इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद समबडी और व्हाटएवर ट्राइंग टू मैच नो यू डू योर ओन फोर्टे. आपके पास जो है उसी को आप अच्छा करने की कोशिश करें. पीपल हैव एक्सेप्टेड यू. कैमरा हैज एक्सेप्टेड यू. द माइक्रोफोन एक्सेप्टेड यू. सो यू बेटर You refine or excel in whatever you are doing. तो वो करते करते ये होता गया और ये जो अवार्ड मुझे बख्शा अल्लाह ताला ने ये उसकी मर्जी. और वाकई इसमें कोई शक नहीं है आपके सॉरी आपके बात काटो में और इसमें कोई शक नहीं है ये आप सबको पता भी है और आप सब क्योंकि मैं अभी वहाँ आने वाला था बाद में मगर शैकी भाई खुद वहाँ तक पहुँच गए. और माशाल्लाह आपने देखा कि 23 मार्च को जो है वो मोहम्मद अली शैकी साहब को जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज और एक जो अवार्ड है वो सदारती अवार्ड जो नवाजा गया. बिल्कुल वो सदारती अवार्ड नवाजा गया और ये बहुत बड़ी बात है हुकूमत की तरफ से एक एप्रिसिएशन. माना कि बहुत देर में है. माना कि बहुत देर तो वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते. मगर चलो फिर कहते हैं शुक्र है कि देर लगी आने में मगर शुक्र है तुम आए तो सही आए तो सही. तो ये सो गॉड्स तो ये हर काम में एक कहते हैं एक वक्त मुतय्यन है एक वक्त फिक्स कर दिया गया वो उसी वक्त होगा कुछ भी हो जाए कुछ भी कर ले. मगर बड़ी बात यह है कि चले देर में सही जो कुछ जो होना है वो होना है और वो हुआ वो तो ये बहुत बड़ी बात है. और ये हम सबके लिए बहुत एक बड़ा एजाज है हमारे लिए कि मोहम्मद शेख साहब को जो सदारती अवार्ड से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा. उसके लिए हम FM100 पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से पूरी टीम की जानिब से और FM पाकिस्तान के हम तमाम लिसनर्स उनमें आपके भी अपने फैंस भी शामिल आपके लिसनर्स भी शामिल हैं सब की जानिब से शेखी भाई आपको बहुत बहुत हम मुबारकबाद पेश करते हैं बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इस तरह के बेशुमार अवार्डों से नवाजे इस तरह के इसी तरह अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इज्जत दे. माशाल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी एक वक्फ की है ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दी आपने. देख अभी मैं वही बात है कि अगर आप 76 से भी लगाएं तो इस वक्त फिर भी जो आपने तकरीबन जो है 45 साल लगा दिए 46 ईयर्स जो है वो 46 साल जिंदगी के मतलब आपने इस फील्ड को दे दिए इस फील्ड को दे दिए इस फील्ड ने दिया क्या इस फील्ड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया. बस ये है सख्त टेन मतलब ये कि मैं अगर मुझे फेलियर्स होते तो फिर मैं डेविएट कर जाता. अच्छा नहीं वो कभी कभी पता है ऐसा भी होता है कि कभी कभी फेलियर्स के बावजूद क्योंकि जब हम अंदर से कुछ और कबूल करने वाले ना हो तो फेलियर्स के बावजूद हम कहते नहीं जाना तो मैंने यहीं पर है.
जाना चलना तो है, क्योंकि आज अगर यहाँ कट लगाए तो अगला रास्ता हो सकता है सीधा हो। अब इसमें ब्रांचेस है ना, मैं एक्टिंग में चला जाता, मैं डायरेक्शन में चला जाता, तो वो मैंने डायरेक्शंस भी किए, मैं एडिटर हूँ, बाकायदा मैं सीखा हुआ, मैं नॉन लीनियर एडिटर और 35 mm की भी एडिटिंग जानता हूँ, कर चुका हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा है, मगर उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं हुई होना चाहिए था। और मैंने अपने आप को एज अ प्लेबैक सिंगर ट्रेन किया था, तो मगर अचानक क्या पता नहीं क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो मेल के गाने खत्म हो गए, या दो चार मतलब मुझे बुलाया उसके बाद हुआ। वो पूरी फिल्म को एक दो गाने, वो कहते हैं कि दाल में तड़के के बराबर होते थे वो, हाँ, कि बस वो जरा सा तड़का लगाने के लिए मेल का सिंगल दे दिया, एक मेल का ड्यूट आ गया तो खत्म, बाकी तो चार छह गाने जो फीमेल के होते थे। और फिर मुझे पकड़ लिया कि तू एक्टर है, आप फिल्म करो। यूसुफ ने, मैं तो हैरान परेशान, मैंने कहा यार आपने तो मुझे गाने के लिए बुलाया था, बोला नहीं यार यू आर टेलर मेड हीरो। क्या बात है, मैंने कहा यार तो सबसे पहली फिल्म है अपना सन ऑफ अंदाता, सन ऑफ अंदाता, तो उसमें अपने आप को मैं देखता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके पीछे एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस। इकबाल यूसुफ मरहूम माय उस्ताद माय गुरु, ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर, वो एक्टर को उसके अंदर का एक्टर जो है ना निकलने देता था। वो असल में बड़े सीनियर लोग थे ना, वो कोई नहीं मतलब वो ऐसा तो... करो यूं करो वैसा करो, नो यू डू इट योरसेल्फ एंड शो मी व्हाट यू कैन डू। तो उस तरह काम करते करते हमने ये सन ऑफ अंदाता किया, फिर एक और फिल्म थी जोरावर, वो जोरावर भी आपने की है, काफी बात 6-7 फिल्में की थी आपने, तो 10 फिल्में, शोर फिल्म थी, शोर वो मैंने किया, फिर चोरों का बादशाह किया, वो चोरों का बादशाह तो एक ऐसी फिल्म थी धर बन गई है, और इतने कम पैसे में शुरू किया, जान ने अल्लाह उनकी मगफरत करे और उनकी रहमत करे, कि उन्होंने फोन किया कि अपना हम लोग बैठे हुए थे, तो ही सेड के बेगम पैसे कितने पड़े। क्या बात है, तकलीफ। तो उसने कहा बस कुछ नहीं, तो वही 30,000 पड़े। बोला 25 अलग कर लो, 5 तुम रख लो खर्चे के लिए, कल शूटिंग है। कल क्या बात है, आपने जबरदस्त स्टोरी, बट डोंट यू जस्ट कम टुमारो। वाह, तो वो इसी तरह वो रमजान के महीने में कंप्लीट कर लिया और धर से लग गया फिल्म, जबरदस्त। और प्लैटिनम जुबली पे, प्लैटिनम जुबली जब भी वो फिल्म लगती प्लैटिनम जुबली करके जाती, गुड गुड। ये नहीं कि इसमें मैं हूँ, उसमें अच्छे अच्छे, हाँ अच्छे, मतलब उसमें टीम अच्छी, ज़ार काजी मरहूम उसमें, मुस्तफा कुरैशी, फिर एक जहाज़ेब एक था मॉडल एक्टर था, बस ग्रेट फिल्म, और उसमें लड़कियां भी अच्छी अच्छी थी, बस वो फिल्म जहाज़ेब खान तो भाई बड़ा, उनकी बहुत सारी फिल्में, अब तो वो इंटरेस्टिंग फिल्म जो मैंने बहुत चाह के वो लगे मगर लगा नहीं, वो इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि ये आप हिंदू कल्चर को प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हो बंगाली कल्चर को, इसलिए कि मर्द सारे लुंगी और बनियान में, अच्छा, और औरतें सारी साड़ी में। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, ये देखिए जबरदस्त। हमने बांग्लादेश में वो फिल्म शूट की ज्यादातर ढाका में, सही, और आई टेल यू दोज पीपल आर वेरी टैलेंटेड पीपल, बंगाली लोग जो हजरात हैं वहाँ, मेरे ख्याल में फन फनकारी कूट कूट के बराबर, वो वहाँ तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त, सही बात है, उनके अंदर वो एक मिठास है, आप उनके गाना भी देखें, कोमल सुरों में होता है, इसी तरह उनके मिजाज में भी मिठास है, और फनकार बहुत जबरदस्त है, फनकार इसमें कोई शक नहीं, एक्टर डायरेक्टर थे बिलाल अहमद, क्या बात है उनकी। फिर वहाँ की रोजीना एक हीरोइन थी, बहुत अच्छा वो काम करते थे, उन्होंने बिलाल अहमद ने मुझे कहा कि अली आपको कोई जरूरत नहीं है एक्टिंग करने की, अच्छा ये जो स्टाइल है ना ये आपको जरूरत नहीं है, आई एम टेकिंग यू फॉर द मेन रोल जो यंग टू ओल्ड है, ठीक है आपने वो करना है और डायलॉग आप अच्छे बोलते हो वगैरह वगैरह, मगर आई वॉन्ट द एक्टिंग फ्रॉम हियर, आंखों से एक्टिंग चाहिए, ये मुंह बनाना सही बात, शोर मचाना नहीं, और व्हेन यू वॉच द कैमरा, हालांकि हमें सोलो लिया जाता है तो ऐसा लगता है हम किसी से बोल रहे हैं, मगर वो लेंस के अंदर आप आंखें बगैर चिपकाए
बात करेंगे। चले आंखें चिपका के बाद से बात करते हैं, एक छोटा ब्रेक ले लें, क्योंकि वक्फा बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है वक्फा, हाँ बहुत जरूरी है वक्फा, और वक्फे के लिए हम बिल्कुल जाते हैं, और एक छोटा सा छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. FM 100. 100. 100. Karachi. Lahore. Islamabad. Hyderabad. Rahim Yar Khan. जी जनाब, मुलाकात का सिलसिला जारी है, और मुलाकात इस वक्त हो रही है, और वही बात है कि मुलाकात, आज की मुलाकात बड़ी म्यूजिकल मुलाकात है, और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज आप तक पहुंच रही है शाकिर साहब के हवाले से, और आपको पता है कि 1976 में पहली मतलब इंट्री इन्होंने दी म्यूज़िक के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न से, उसके साथ साथ फिर फिल्म में, और फिर 10 फिल्में माशाल्लाह की एक दौर में, और वो दौर भी ऐसा था कि जब फिल्में और म्यूज़िक, वहाँ चैनल भी एक था और सिनेमा भी, वही आपको बड़े उस वक्त हुआ करते थे, उस वक्त लोग सिनेमा पे भागते थे, तो फिल्म स्टारों को लोग फिल्म में जाके देखते थे, और आज की तरह फिल्म स्टारों को टीवी पर नहीं देखते थे, है ना, वो सितारे होते थे, वो सितारे थे उन जमाने में, लोग फिल्में नहीं देखते थे, वही अपना जो लोअर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, सॉरी से, तो वही लोग देखते थे, कि हम जैसे लोगों को पता ही नहीं था, सिनेमा जाते ही नहीं थे। सही बात है ये। अच्छा चलिए, ये बिल्कुल सिलसिला चल रहा है। मुझे पहला जो आपने इस वक्त जब एंट्री यहाँ की, तो पहला नगमा कौन सा था आपका जब आपने गाया था? अच्छा, पहला कम्प्लीट सॉन्ग जो था, क्योंकि उससे पहले नगमा जाता उसमें इंट्रोडक्टरी है मेरी। अच्छा, मैं और महनाज दोनों। अच्छा, दोनों थे। तो जो मैंने कम्प्लीट सॉन्ग गाया वो था मेरे प्यार के तू संग संग है, मेरे प्यार के तू संग संग है, मेरे सपनों में चाहत का रंग है, प्यार किया मैंने दिल दिया, मैंने दिल लिया। लेन देन की बात है, देखें क्या बात है। हाँ, तो वो गाना बहुत हिट हो गया और बहुत चल रहा, चूंकि उस उन दिनों में क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो धनाधन ये गाना बार बार आपको पता है रिपीटिशन से गाना हिट होता है। वो अच्छे अच्छे गाने हम गा लेते हैं, वो डब्बे में बंद करके रख लेते हैं, उनको पता नहीं लगता, पता नहीं चलता। सही बात है। ये पहला मतलब जो कंप्लीट सॉन्ग था, कंप्लीट सॉन्ग था। इसके बाद कौन सा, वो फिर इसके बाद वो प्रोग्राम था वो मैंने किया, और फिर उसके बाद फिर वो एक्टिंग का चक्कर आ गया, डम डम डीडी। डम डम डीडी में मैं कभी रीच बनता था, कभी शेर बनता था, बच्चों का शो था। वो करता था, बड़ी गर्मी लगती थी, और तोबा। तो हमारे जो प्रोड्यूसर था गजन फरादी, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल आदमी था, और वो प्रिसिशन हर चीज का। खैर, वो काम करते करते फिर रवा दवा एक प्रोग्राम शुरू हुआ जो शुएब मंसूर ने शुरू किया। अच्छा। उसमें कौमी नगमे ज्यादातर होते थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उन्होंने कहा कि शेखी तुम क्या कर रहे हो अगले एक साल? मैंने कहा वही कर रहा हूँ जो करता आ रहा हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, दोपहर शाम को यहाँ आ जाता हूँ। बोले ऐसा करो कि हम एक पायलट बना रहे हैं, और उसका नाम शर्नी रखा है।
झरने तो उसमें स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर गिमिक्री ज्यादा डाली, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज किया। फर्स्ट टाइम उनके पास पेंट बॉक्स करके एक डिवाइस आई थी, उसको ट्राई कर रहे थे। फिर उसके अंदर वो क्रोमा की भी था, क्रोमा की उस वक्त कट नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल था क्रोमा की कटना। एक दफा क्या हुआ कि मैं तीन दिन तीन रात खड़े खड़े वो गाने में मैं भी पाकिस्तान में हशर नशर हो गया। और वो उसका एक्चुअली ब्लू को काटना, सही बात है, बैकग्राउंड तो ब्लू होता है, ब्लू या ग्रीन होता है, सही बात है, बालों में आ रहा है यार। तो अचानक ये पता नहीं था कि ये पीछे क्या करना पड़ेगा, अचानक कोई लाइट जो लगी हुई थी साइड की वो यूं हो गई, यूं हो गए तो वो पर्दे पे पड़ी जिसमें ब्लू था, तो वो गायब हो गया। तो क्या बात है, उस वक्त पता लगा कि क्रोमा की में आपकी बैकग्राउंड में भी लाइटिंग करनी पड़ती है, वो कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा। वो खैर वो भी झरने की बहुत लंबी दौड़ थी, झरने में हर फॉर्टनाइट को दो तीन गाने हिट होते थे और फिर वो एज अ फिलर चलते थे। वाह वाह, पांच साल तक चला वो, पांच साल के बाद फिर गैप आया, फिर सहरा काजमी आई, उन्होंने रंग तरंग शुरू कर दिया। रंग तरंग बड़ा हिट गया। मेन फीचर में इसलिए होता था कि या तो उनकी रिक्वायरमेंट थी या रिपीटिशन इसलिए होती थी कभी कि मैं इजीली अवेलेबल था, आई यूज्ड टू बी ऑन टाइम, ऑन टाइम के मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो आ जाऊंगा। कुछ लोग आर्टिस्ट उस जमाने में फंक्शंस में बहुत बिजी होते थे तो वो नहीं बहुत ज्यादा फंक्शन होते थे उस वक्त, क्योंकि टीवी के पेमेंट 74 रुपए के लिए कौन आएगा, कौन आएगा, सही बात है। वो दौर भैया से तो भाई वो तो ऐसे और था। अच्छा के नहीं तो वो उस जो म्यूजिक था वो मैं कौन सा, इसके बाद कौन सा हिट आपका जो ट्रैक हुआ वो कौन सा ट्रैक था फिर? ये तो एक महीना देखें गाना था, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो फिर जो चाहो तो चली जाना। मैं तो कह रहा हूँ चली आना, क्योंकि अच्छी आंखों से दुनिया को देखेंगे दुनिया अच्छी लगेगी आपको। हाँ, उसके बाद तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, ये बिछड़ कर ये थोड़ा सा जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। ये जब बीवी के सामने आप गाते हैं तो बीवी मोह हो जाती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं आपको, ये आपका जो नगमा और ये दूसरा जो है मेरी आंखों से दुनिया को देखो, ये 95 में जब मैंने FM100 जब लॉन्च हुआ ये, उसके बाद मैं अपने नाइट शो में बेशुमार बहुत चलाया, मैंने बहुत चलाया, खासतौर पर तुमसे बिछड़ कर जिंदा इफ्तिखार आरिफ के मुझसे गवाया, गाना पहुंच गया कनाडा से वापस आ गया, मुझे लगता है कनाडा में मतलब उन्होंने लिखा जितना खूबसूरत उतने खूबसूरत आपने उसको गाया, उसमें आपकी फीलिंग। और इसके मौसीकार कौन थे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? अल्लाह मगफिरत करे मेरे साथ, अल्लाह मगफिरत करे, बहुत बहुत जबरदस्त, उस आदमी को हिट है जो भी गाना उन्होंने बनाया, मेरे लिए मैंने गाया वो हिट हुआ। अच्छा उनके जितने तकरीबन उन्होंने जितने गाने पीटीवी के लिए बेशुमार काम किए, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बेशुमार गाने उन्होंने जो बनाए वो सारे हिट रहे, सारे हिट रहे, मतलब आपके लिए आलमगीर साहब के लिए बेशुमार म्यूजिक उनका। फिर अगर उसमें गानों की बात की जाए नगमा निगारी जो उसमें साबिर जफर साहब, फिर मोहम्मद आसिफ, इनके मतलब गाने बिल्कुल गाने हम असर हैं, हमारे यहाँ साथी थे, इंशाल्लाह ताला हमारी दौड़ में हमारे सफर में एक साथ रहेंगे। मोहम्मद नासिर हैं, इकबाल भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा काम होता था, बहुत अच्छा अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आए और चले गए, आते रहे और चले गए। अच्छा, आज शेख भाई आज आप क्या कहते हैं कि आज के दौर में वो तमाम लोग या वो उन जैसे लोग आज क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिलते, या आज ऐसा काम क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजूहत है? भाई मेरे ख्याल में भूख, भूख और ये मईशत दुनिया भर में, यहाँ भी नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड, ये मैं कहता हूँ आम ओपनली से कि आप बेईमानी करेंगे ना तो आपको भूख आपके नसीब में होगा,
यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ. ये जो हम कहते हैं ना कि करप्शन नहीं करना, फलाने ये क्यों नहीं करना, इसलिए कि वंस यू स्टार्ट स्टीलिंग तो वो असल में आपका जो खजाना है जो भी है उसी में से वो खत्म हो रहा होता है ना. सही, वो कहाँ से, जब वो खत्म होगा तो चीजें महंगी होती जाएंगी और फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा कहत पर. और दूसरी बात कर ये जो जो जखीरा दूरी जिसका नाम है, इट्स समथिंग सो क्रूअल टू डू कि आपने बहुत सारे वो सब्जी या सामान या जो गेहूं या शक्कर जो भी लेके जखीरा अंदोजी कर ली, जमा कर ली कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा. तो उससे भी ये हर तरफ से जो ना दुनिया बहुत ज्यादा. अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आज कह रहा हूं, खुदा के लिए आप लोग सूद से बाहर निकले हैं. खुदा के लिए अल्लाह करे कि ये बैंकों में जो इतना बड़ा सूद का कारोबार है, हर चीज इतनी ज्यादा है कि एक इंसान एक दफा उन जंगल में फंस गया तो वो निकल नहीं सकता. वो तो फिर कहते हैं कि पता नहीं वहां वो लोग इंसान हैं या किसी और प्लेनेट में रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता और ये एहसास नहीं है कि भाई नहीं है क्या बोलते हैं रोजगारी नहीं है, रोजी नहीं है, जॉब नहीं है. इंसान रिटायर हो चुका है, इंसान बूढ़ा हो चुका है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको वो बोलेंगे पैसे दो और सूद भर भर के सूद दे. आप जिंदगी भर आप सूद देते रहे, अपने घर को बेचते रहे, आप निकल नहीं पाएंगे. तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि किसी तरह ये सूद का निज़ाम ख़त्म होके जो भी इस्लामी तरीका प्रॉफिट एंड लॉस का है वही अगर जारी हो जाए, आप देखें कैसे तरक्की करेंगे. ये दुनिया सूद की वजह से ख़त्म हो रही है. सूद आपको दीमक की तरह खा रहा है, आपको अंदाजा नहीं है. अमीर जो है अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जाएगा. कोई भी आ जाए, कितने भी इमरान खान ले आए, आप कुछ भी करें, इस जब तक ये सूद है आपका कुछ नहीं हो सकता. हाँ, क्योंकि वो आपकी रगों में कहते हैं आपके, ये तो आपके खून में शामिल हो जाता है ना फिर. जी, मतलब हम अगर वही बात है कि अगर हम हराम खा रहे हैं तो हम जब हराम पैसा लेंगे और करप्शन का जो पैसा होगा उससे जो अनाज खरीदेंगे, जो चीजें खाएंगे, वो हमारे बदन में उससे खून बन रहा है ना, तो वो खून शामिल हो गया वो. और ये भी जो कौमी बचत वगैरह जो भी कि आप डालें और 14,000 रुपए आपको मिलेंगे, भाई 14,000 सूद है. सही बात है, सही बात. 1,00,000 के 14,000 कैसे देंगे? कैसे देंगे भाई? इंसान को तकलीफ नहीं होती. चले कुछ मैसेज शामिल कर लें जल्दी से, उसके बाद फिर ब्रेक पे आ जाएंगे. और शैला खान का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम. साथ जो गेस्ट हैं ये अली शैकी भाई को भी हमारा सलाम जी. साथ जो गेस्ट हैं, हाँ, अली भाई शैकी को भी सलाम. क्या हर किसी का अपना अंदाज है, मगर क्या अंदाज है, घुमा के लाने का अंदाज है ये भी. और उसके बाद भी शायरा खान का जो मैसेज जनाब के आरजे एम मोहम्मद अली शैकी भाई को भी सलाम. चले दोबारा भी सलाम पहुंचा दिया भाई, वंस अगेन अस्सलाम जी. ठीक है जी, और उसके बाद फिर आते हैं जनाब हम अब्दुल कादिर साहब मलिक साहब, हमें लाहौर से हमें देखते हैं, ये बड़े रेगुलर हमारे माशाल्लाह लिसनर भी हैं और हमारे व्यूअर भी हैं, प्रोग्राम देखते भी हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे सीनियर सनाखा भी हैं ये. और क्या बात है, वाह वाह. जब मैं आपको एक चीज बताऊं, जी जी, मैं शुरू में कारी था. माशाल्लाह, बिल्कुल. और माशाल्लाह, दो या दो सिपारे हेज भी कर लिए थे. अच्छा, मगर बाद में मैंने सोचा कि यार आपने हेज तो कर लिया, आपको एक लफ्ज समझ नहीं आ रही, इसका कोई जस्टिफिकेशन मुझे नजर नहीं आई. फिर मैं मजीद आगे नहीं बढ़ा, मैंने कहा यार पहले अरबी सीखो उसके बाद कुरान को हिफ्ज करो और पढ़ो ताकि समझ में तो आए अल्लाह ताला का मैसेज है. हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको टैबू बना हुआ है कि कुरान को ऊपर रखना है, उसको गिलाफ में रखना है, उसकी तरफ हाथ नहीं जाए, पैर नहीं जाए. अरे कुरान के अंदर क्या है भाई, अल्लाह ताला ने जाशक किस लिए भेजा कुरान, बेशक समझ भी नहीं, फायदा नहीं है. बेशक आपने सही कहा. एक खैर, मैं नारी भी था, फिर मैंने नात हम काफी किए, कवाली भी किए. अभी आएंगे कवाली की तरफ, हम इस पर भी आएंगे, हम भी अभी इसी तरफ आएंगे. अरे वाह, मगर पहले ब्रेक, वक्फा बहुत जरूरी है. बिल्कुल, ऑक्सीजन है, वक्फा बहुत जरूरी है. और वक्फे के बाद फिर आपके मैसेज भी हम शामिल करते हैं और उसके साथ साथ फिर कुछ बात जो है वो हम अनुशा के पैसे करते हैं.
Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jhelo, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. FM 100. You are listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. जनाब बिल्कुल आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं मुलाकात एफएम 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोभी के साथ। और आज की मुलाकात बड़ी म्यूजिकल मुलाकात है और बड़ी इंफॉर्मेटिव मुलाकात है शैकी साहब के बारे में। शैकी साहब को आप हमारे प्रोग्राम में रेडियो पर सुनते भी हैं माशाल्लाह, शैकी शो के नाम से जो शैकी भाई करते हैं। कौन सा दिन होता है आपका? बुध वाले दिन रात को 11 से 1 बजे आप सुनते हैं, बड़ा म्यूजिकल शो होता है वो। और उसके साथ साथ फिर बेशुमार आप चैनल्स भी देखते रहते हैं और उसके अलावा फिर यूट्यूब पे जाएं तो बेशुमार आपको गाने मिलेंगे और कहीं कहीं से पीटीवी से कभी कभी जो है वो कुछ इनका म्यूजिक रिपीट भी हो रहा होता है। और फिर अगर आज आगे देखें तो बहुत सारी फिल्में आपको कुछ फिल्में तो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी पुरानी जो अपलोड की गई हैं। तो आप देखें शैकी साहब जो मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ एक फन नहीं दिया बल्कि बेशुमार जो है वो नेमतें इनको दे दी, बेशुमार फन दे दिए कि तुम अपने आप को आजमाते जाओ, तुम कहाँ निकल सकते हो, सब रास्ते तुम्हारे लिए खोल दिए गए, तुम निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर है कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए, सब रास्ते दे दिए। एक्टिंग भी माशाल्लाह देखे मैं, बहुत अच्छे नातखा भी है, कवाली भी है, सिंगिंग भी है। अच्छा ये फील्ड एक ही आती है कि सिंगर जो होता है वो यकीन उसका सुर और लय अगर पक्का माशाल्लाह है तो वो एक अच्छा बहुत अच्छा नातखा भी हो सकता है, बहुत अच्छा वो कवाली भी जो है वो पढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके अलावा एक्टिंग ये भी एक अलग फन है, ये एक अलग फन है क्योंकि वो वहां पर सिंगिंग नहीं करनी बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को वहां यूज करना है, अपने फेस एक्सप्रेशन को यूज करना है, वहां एक्टर है बंदा, तो वो एक अलग चीज है, वो फन इनके पास मौजूद है। फिर देखें एडिटिंग इनके पास इनको आती है, इंजीनियर अलग है, ये की दसा दे की ना दसा, मैं कोई एक गल हो गई तो दसा भी सही, बेरोजगार है ये एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला हालात की पेश नजर, हालात आपको होता है कि फिर भी अब ये देख लें, ये भी बड़ी मजे की बात की, ये भी बड़े मजे की बात की, वाह वाह वाह, मगर मैं खुश हुआ भाई। मैं कह रहा हूँ सर ये 3 साल कैसे गुजरे, हाँ, सही बात, बिल्कुल आबदी नहीं, बिल्कुल कंगाल खत्म हो चुका, मगर अल्लाह ताला फिर भी देखे वो, फिर भी बस ये उस, ये उसी, ये निजाम जो है ये अल्लाह का निजाम है। हालांकि मेरी एज भी ज्यादा होगी, मुझे नौकरी भी नहीं मिल सकती, फलाना भी हो गया, ये भी हो, मगर मैं फील नहीं करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ये कमजोर हो रहा हूँ, मुझे तो बूढ़े लग रहे हैं माशाल्लाह, बल्कि जवान लग रहे हैं मुझे तो। आई स्टिल वॉन्ट टू वर्क, I still want to be work result oriented work. माशाल्लाह काम नहीं करना माशाल्लाह कि हम यहाँ से घर मैं गाड़ी में जा सकता हूँ, नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है गाड़ी में जाना। तो ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है सही जिंदगी में और वो कुछ अचीव नहीं किया जो मैं कर सकता था, वो बस अल्लाह में पे छोड़ दिया, जो काम हमसे नहीं होता उस ऊपर वाले में छोड़ दिया। सही बात है, सही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और शायद आपकी यही सोच है जिसके वजह से आप माशाल्लाह आज भी एक्टिव हैं माशाल्लाह, ये क्योंकि सारी बात वो होती है कि वो कहते हैं छोटी सी आयत इन्ना मा अमला बिन्नत, हमारी जो अमल का दान हमारी नीयत पर ही होता है। अब अगर नीयत हम कर लें, मैं कर लें यार कि मैं तो यूं हूं,
तो फिर मेरा अमल भी वैसे ही होता जाएगा जी। सोचने के बाद फिर हर काम ये है, गलत स्टेटमेंट है। मैं ये हूँ क्या मतलब? हाँ, मैं इंसान को कत्ल करता हूँ, मैं तो ये हूँ। वही ना, वही बात वही ना। तो वो यही तो, जहाँ आप सोच ले फिर आपका अमल उसी हिसाब से डेवलप होगा। आपके आप प्रैक्टिकली वही मूव करना शुरू कर देंगे जो आप सोच रहे होंगे। तो इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी सोच को बेहतर रखें। बहुत पॉजिटिव सोच आपकी होगी तो यकीन आपका आपका प्रैक्टिकल जो वो भी पॉजिटिवली जाएगा। बिल्कुल वही आप करेंगे भी वही हर बात। आपको अगर अच्छी सोचेंगे तो आप लगेगा मैं मुझे अच्छा ही काम करना हो, ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब मैं सोचूं कि नहीं यार कहीं मौका मिले तो मैं यार ये काम तो कर ही दूं, मैं ये बात टिका दूं, तो फिर वो ऐसे ही होगा। खैर बहर हम गुफ्तगू को बड़ी दूर तक निकलेगी, बात निकलेगी बड़ी दूर तक चली जाएगी, मगर हम फिलहाल चलते हैं इस वक्त मैसेज की जानिब, जो कुछ मैसेज शामिल कर लें उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद जनाब फिर अब्दुल कादिर मलिक साहब ने सलाम कहा तो कहते शोभे भाई और शेख साहब कैसे हैं आप दोनों जी? मैं तो I'm feeling okay, fine. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्लाह का लाख शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने। गुड गुड एंड गार्डन गार्डन हो बिल्कुल गार्डन। और उसके बाद जी शुएब होकला साहब इस वक्त देख रहे हैं, पता नहीं कहा नमूदार हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर देख रहे हैं जैसे जब इनकी जरूरत पड़ेगी गायब हो जाएंगे, जब जरूरत नहीं था सामने आ जाएंगे। तो ये अच्छा ये मुझे लगता है शोएब भाई कहीं आपने वो सुलेमानी टोपी तो नहीं पहन रखी? ऐसा कुछ है मैंने तो पहना, मैं समझा डिसिप्लिन नहीं, मगर ये शोएब भाई से इसमें से कबूतर निकल सकते हैं। हाँ ये निकल सकते हैं, कभी कभी निकाल के दिखाई करें कबूतर। और उसके साथ साथ शोएब ओकला साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके साथ साथ भी मलिक साहब क्या कहते हैं, नियाज अहमद बिग कंपोजर जी हैं, बहुत इसमें कोई शक नहीं, नियाज अहमद साहब बहुत ही बड़े कंपोजर थे, बहुत बड़े मौसीकार थे, इसमें कोई शक, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके हक में दुआ कर सकते हैं। और शेख साहब माई फेवरेट सिंगर जी, ये अब्दुल कादिर मलिक साहब का जो हैदराबाद से मैं देख रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह। अच्छा मैंने जब आपका जो आपके अपने प्रोग्राम का जो फ्लायर मैंने जब पोस्ट किया इंस्टा पर पोस्ट किया तो मुझे मलिक साहब के दो तीन मैसेजेस आए, उन्होंने भाई मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान लिख के भेजा, फिर वो उसके अलावा दूसरा जो है वो एक दो तीन गाने इन्होंने मिसरी लिख के भेजे आपके गानों के, करे माई फेवरेट सॉन्ग्स। मैंने आपको बताऊं सबसे ज्यादा मिली नगमे गाए, सबसे ज्यादा आर्मी एयरफोर्स नेवी के सबसे ज्यादा मैंने गाए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आपसे कुछ अभी सुनते हैं ना, बिल्कुल हम जरा से मैसेज के बाद फिर आते हैं जरा आपके पास। और उसके बाद जनाब अबादुर रहमान हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं अबादुर रहमान साहब, और आज दिन में भी हमें देख रहे हैं जय नसीब भाई, और कहते हैं खूबसूरत तरीन गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह, आपके साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो भी बड़ी क्लासिक थी, अब एक बार फिर आपको नाइट में बुलाएंगे। और क्योंकि आप तो वैसे भी माशाल्लाह आपने पता कि एक अच्छे जो है स्कॉलर भी हैं और अच्छे माशाल्लाह जो है आप कैरियर काउंसलर भी आप हैं, तो आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका एक वसी तजुर्बा भी है और मुताला बहुत वसी है आपका माशाल्लाह। उसके बाद अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं शोभी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल शेख साहब तो बिल्कुल हमेशा जब भी कहते सही कहते हैं, कभी गलत कहा है आपने? मैं हमेशा गलत कहता हूँ, बाद में मुझे सही करते हैं लोग। और उसके बाद अजीम अफजल साहब कहते हैं प्लीज गुनगुना दें अलन फकीर वाला गाना, अभी थोड़ा सा अभी हम बिल्कुल उसकी तरफ भी आते हैं। और शैकी भाई का एफएम शो पर कैसे आना हुआ, बिल्कुल पूछेंगे आप इसको भी, आप ठहर दें, अभी बहुत सारी बातें, अभी तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला इन्होंने, अभी तो गुफ्तगू बाकी है, अभी तो ऐसी इधर उधर की चल रही है। और उसके बाद मलिक साहब कहते हैं कि आपने मेरा ताल्लुक लाहौर बता दिया जी, मैंने लाहौर नहीं बताया, मैंने हैदराबाद बताया, मैंने आपका ताल्लुक हैदराबाद से मैंने बताया। और उसके बाद अदनान शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच जी कहते हैं उफ वाह 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 क्या बात, आई एम वॉचिंग यू, थैंक यू अदनान शाहिद, थैंक यू भाई अदनान, कैसे आप ठीक ठाक के खैरियत से रहे नसीब, आप तो वैसे बात ही नहीं करते तो आप देख रहे हैं ये बड़ी बात है। और उसके बाद फिर जनाब थैंक यू जी, अब यूँ करते मेरे ख्याल में हो जाए जरा सा कुछ म्यूजिक अगर मिली तो मैं भी
पाकिस्तान में बड़ा अच्छा जहाँ तक देखे ना कि फिल्मों का ताल्लुक फिल्म से मैंने बात की है, फिल्म के गाने भी मैंने गाए ठीक ठाक, तो उन गानों में बहुत अच्छे अच्छे गाने पाकिस्तान में गाए और भारत में भी जाके गाए, पाकिस्तानी बल्कि नहीं एक फॉरेन को प्रोडक्शन थी। तो बॉम्बे जाके बाबुल बोस हैं वहाँ के बहुत जबरदस्त कंपोजर हैं, तो इकबाल यूसुफ थे डायरेक्टर, उन्होंने वो गाने गवाए, तो मैं बहुत ही वो मेलोडी सुन के खुश हुआ और मैंने कहा बाबुल भाई आप तो इतना अच्छा गा रहे हैं खुद क्यों निकाले थे। सही बात है। बोला नहीं देखे मेरे पास टोन दी है, टोन सही है, मेरे पास टोन नहीं, इस तरह बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन। मैंने कहा अच्छा तो वो कौन कहता है हम तुम्हारे हैं, हम तो उनके हैं, हम तो उनके हैं जो हमारे हैं। तो ये पेरेंट्स रहा है। फिर उसके बाद एक गाना था जो इकबाल यूसुफ यहाँ से ले गए थे, वह जब तक चाहे चाहेंगे तुमको हम, बस इतना ही कहना है ऐ हमदम हो, जब तक जाहे चाहेंगे तुमको हम। आपको कौन सा गाना याद आता है ये सुन के? ये गाना गालिबन मेरे ख्याल राज फिल्म का है गालिबन। हाँ, मोहसिन हसन खान। हाँ, मगर ओरिजिनली जो हाँ, जो राग है जो जो मेन ख्याल है इसका तो राग एक ही है, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है। नहीं नहीं हाँ, सर यार मैडम का सॉन्ग है, चलो अच्छा तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार हो बालमा, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। तो इसको लेके बाबर बोस ने सॉन्ग डुएट बनाया, तो आपने सुना होगा सॉन्ग मोहसिन खान और बाबर शरीफ पे वो पिक्चराइज हुआ। गाना बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा और मैंने मतलब ये कि बहुत सारे गाने गाता हूँ गाया हुआ हूँ और सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। तो ये सॉन्ग जब मैंने गाया तो ये सब में मुझे सुपर लगा, हालांकि मेरे उस्ताद नियाज अहमद साहब ने बहुत गवाया मुझे, उनके गाने भी एक से एक थे, मगर ये फिल्मी गाने जो फिल्मी फिल्म सॉन्ग होते हैं डिफरेंट होते हैं, ये अलग है। ये इनके मूड सब चीजें टेम्पो अलग होता है इनका। बिल्कुल प्राइवेट सॉन्ग से बहुत जबरदस्त था। मैं तो हैरान हूँ कि बाबुल बोस साहब ने मजीद काम नहीं किया और ये गाना बस ये पिक्चराइज हुआ उन पे। और मजे की बात ये है कि वहाँ जब हम गाने गए वहाँ उन्होंने बोला कि ये उस वक्त तक आप नहीं गा सकते जब तक यहाँ के सिंगर नहीं गाएंगे इसको। अच्छा, म्यूजिक ट्रैक बन चुका था ना। अब वो महबूब स्टूडियो में मुझे गाना था जाके, तो उन्होंने बोला कि ये आप ये फिल्म आर्टिस्ट है पाकिस्तानी फिल्म आर्टिस्ट, तो ये परमिशन लाया वहाँ से नहीं, फिल्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, परमिशन एनएससी चाहिए। अच्छा, हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, उसके बगैर नहीं रिकॉर्ड। मैंने बोला यार आप कहाँ से मंगाएंगे? बोले एक ही सूरत है, आप ट्रैक यहाँ से ले जाएं पाकिस्तान और वहाँ डबिंग कर ले उस पर, क्योंकि आपने तो डब ही करना है। हाँ, तो मगर आप ट्रैक ले नहीं जा सकते यहाँ से, लेके भी नहीं जा सकते। बोले भैया अब क्या मुसीबत? बोले यहाँ के सिंगर गाएंगे उनसे आप पैसे दोगे। अच्छा, क्या बात है बाप, उनको पैसे दोगे चाहे उनका आवाज आप रिलीज करें न करें, लेने के देने पड़ गए तुम। हाँ, बड़ी बड़ी मुश्किलों से बरू कर करा के फिर पाकिस्तान लाए। फिर उन्होंने शालीमार स्टूडियो में बड़े इंतजाम के साथ, चूंकि बड़ा स्टूडियो वही था, वहाँ रिकॉर्ड करवाया सॉन्ग, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर ये रिलीज दोनों वर्जन में हुआ, सुमार सानू भी है मैं भी हूँ। तो कभी कभार लोग कहते हैं यार तुमने तो गाया नहीं, कुमार सानू ने गाया। मैंने कहा चलो मान लो, चलो एक ही बार यार ये तो नहीं नहीं आपने आपने गाया है, मन कर लो क्या मुश्किल। इसी तरह जब कुमार सानू ने आशिकी फिल्म का सॉन्ग गाया, मेरे जान अजाब में कर दिया लोगों ने, यार आपको बड़े अफसोस की बात है, वहां जाके आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, आपने अपना नाम ही बदल दिया, आपने गा के आ गए। अरे मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई, अगर मुझे इंडिया में गाना है तो मैं अपना नाम लेके गाऊंगा ना। सही बात है, सही। चले ब्रेक ले लें जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, हम ब्रेक के बाद और हमारे साथ रहिएगा क्योंकि मुलाकात अभी जारी है।
100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. FM 100. 100. 100. Karachi. Lahore. Islamabad. Hyderabad. Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. FM 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan. Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan, this is FM 100, FM 100, 100, 100, 100, 100. The heartbeat of Pakistan, this is FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Listening to 100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan, this is FM 100, FM 100, 100, 100, 100, 100, 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan, this is FM 100, FM 100, 100, 100, 100, 100. The heartbeat of Pakistan, this is FM 100. On the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial.
Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. 100. 100. ब्रेक के बाद दोबारा आ चुके हैं। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज की मुलाकात आपको द म्यूजिकल से मुलाकात, हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद अली शैकी साहब। और शैकी साहब का आपको बताया कि 1976 में पॉप म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और उसके साथ सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की और पढ़ाई भी साथ लाजमी, इंजीनियर, माशाल्लाह इंजीनियर हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ फिर एडिटिंग भी सीखी, फिर नाद के हवाले से भी, कवाली भी, कवाली का सिलसिला भी चल रहा है अभी। चंद मैसेज शामिल करते हैं उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। और जनाब हम इसके बाद अल्तमश खान इस वक्त हमें देख रहे हैं। अल्तमश, आपको वेलकम कहते हैं। कहते हैं जनाब हमारे बचपन के लेजेंड एंड ऑल टाइम फेवरेट जनाब शैकी साहब, आई स्टिल रिमेंबर हिज फेमस सॉन्ग विद लेजेंड अलन फकीर, प्लीज आज के शैकी साहब थोड़ा सा गुनगुना दें। अल्लाह अल्लाह कर भैया, एक थोड़ा सा मैसेज पढ़ लें उसके बाद फिर गुनगुना दें, एक दो मैसेज पढ़ लें। और उसके बाद फिर जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं पीटीवी पर एक फारसी कलाम इकबाल जो है गाया था, अगर हो सके थोड़ा सा वो भी गुनगुना दें, ये भी बाद में। और शफीक अहमद साहब कहते हैं सलाम शैकी साहब जी, शफीक साहब ने आपको सलाम कहा जी। वालेकुम सलाम। और उसके बाद फिर जरीन सतार थैंक यू कहती है सलाम वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद फिर जनाब शफीक साहब कहते हैं जी जनाब 45 स्टार्स, क्या बात है भाई, जबरदस्त इतने स्टार दे दिए आपने। और उसके बाद फिर गुलाम सरवर डेक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, शैकी साहब इज आवर प्राइड, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको खुश आमदी कहे गुलाम सरवर साहब, कैसे आप, ठीक ठाक खैरियत से? चलो जी आप मेरे ख्याल गुनगुना दें जरा सा जी। कौन सा गुनगुना? वो अल्लाह अल्लाह कर भाई सब ज्यादातर उसके लिए कर रहे हैं, तो पहले तो वो गुनगुनाए थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा मूड फिर आगे बढ़ता है कुछ। ये कहते हैं कि हो सकता है 5000 साल पुराना ट्यून हो ये, अलन फकीर ने तो कहा है ये, अब पता नहीं वो हो सकता है हो ना हो सकता है, वैसे है पुराना जी। और ये सिंधी जो है ना, ये भी क्लासिकल सिंधी है, मुझे तो वैसे ही कम समझ में आती है, और ये तो बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट है ये। इसमें तशबीहात दी गई हैं और ये हमद है अल्लाह ताला की शान में। जेकि में हर कलड़ी अधोतन के लहर लुडेने के नकी हो जेके में हर कलड़ी अध्योतन के लहर लुदे यदि के नकी जेके में हर हुमा हुमा प्यारी हुमा हुमा ओसाड़ी हुमा हुमा गुजड़ी हुमा हुमा भिल बतारी। अच्छा ये तो हो गया अपना, उसमें उर्दू में तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की नजरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया हुम्मा हुम्मा चल भाई चल तुम क्या बात है, जबरदस्त थैंक यू। और उसके साथ फिर वो मैं भी पाकिस्तान हूँ थोड़ा सा, वो मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है तू तो मेरी जान है तू तो मेरी आन है तू मेरा ईमान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। क्या बात है, सबसे पहले वंस अगेन क्लैप। और अब एक वो कलाम इकबाल जो फारसी आपने पीडियो गाया है वो अगर याद है तो पाकिस्तान سره تربت من بی نگران حلقه بستم سره تربت من بی نگران
आगे में बोल यार हल्के बस्तन सारे थोरबा थे मान बीना गेरान, मतलब मेरे कब्र पे सबने हल्का बांध के और उनको फिर भी वो चीज नजर नहीं आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं जो वाह 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 ये इसका तर्जुमा है ट्रांसलेशन जबरदस्त। अब मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा वो हो जाए तुमसे बिछड़ कर सुनता है सर, वो तो मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि आप भी शादीशुदा है ना शादीशुदा हुए लिए है क्या बात है जबरदस्त भाई। हाँ, अगर बेगम रूठ के चली जाए तो आप ये गा दे उनको फोन के फोन करके या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके अपने भेज दे उनको। आजकल तो व्हाट्सएप भी है। काश तुम्हें जोर इस पे शेर पे काश तुम्हें समझा सकते। ये क्यों है आप कभी नहीं समझा सकते अपने वाइफ को, मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं शर्त शर्तिया कहता हूं आप अपने वाइफ को नहीं समझा सकते। अगर उसने समझना है तो समझ लेगी, नहीं समझना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती। क्या बात है। काश तुम्हें समझा सकते काश तुम्हें समझा सकते हम कितने शर्मिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा है। मतलब ये तो बहुत ही कम बोला शर्मिंदा, मतलब शर्मिंदा हूँ हम तो आजकल तो बोलते मैं तो मर रहा हूँ ये नहीं है। तो वो एक लताफत नजाकत में शायरी हुई है, बहुत अच्छा लिखा बहुत बड़े बहुत क्लासिक रहा ये सब कुछ बहुत ज्यादा रहा। अच्छा आज मतलब जब फिल्म बन रही है तो आज की फिल्मों में आपने कुछ ट्राई किया आज? देखें हम हायर मतलब वी आर क्योंकि आपका जो आपकी जो लुक है वो अगर देखा जाए हमारी जो इस वक्त हमारे यहाँ की जो इस वक्त स्टोरी है जो फिल्में बन रही हैं उसमें आपका लुक बड़ा जबरदस्त बड़ा एक मतलब तो वो अब छोड़ो यार, पुराना आदमी पता नहीं कितने पैसे मांगेगा, छोड़ो नखरे भी होंगे फिलहाल। हालांकि उनको पता होना चाहिए पुराना आदमी तो नखरे नहीं करेगा, सही बात है, टाइम पे आएगा पूरा काम करेगा, पंचोल होगा बड़ा अपने काम का अपने वक्त का बड़ा पंचोल पक्का करेगा आपका। ठीक है, वो इसका कोई ऐसा ही नहीं है, बस फिल्म भी ये बनाते हैं वंस इन अ ब्लू फिल्म हिट हो गई तो हो गई, नहीं तो ऐसे गायब हो गई पता भी नहीं लगा। मतलब इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाई है, मगर बकौल हमारे जो है इंडस्ट्री के लोगों के कि हमारी फिल्म रिवाइव हो चुकी है बहुत सालों पहले, बहुत रिवाइव हो चुकी है ये थोड़ी कि एक फिल्म बना ली बहुत पब्लिसिटी की, इतनी पब्लिसिटी की फिल्म अच्छी थी मगर इतना नुकसान उठाया, इतना नुकसान उठाया पब्लिसिटी में। तो चक्कर ये कि भाई जब तक ये इंडस्ट्री नहीं होगी ऐसे ही होगा, स्पर्ट्स में आप फिल्म करेंगे वो हिट हो गई तो हो गई, नहीं तो ऐसे ही फ्लॉप होगी कि आप दोबारा से तौबा कर लेंगे। ऐसा लगता है ना कुछ लोगों ने फिल्म बनाई, नाम नहीं लूंगा, वो दोबारा नहीं उन्होंने फिल्म बनाई ना, इसलिए कि उसमें हालांकि फिल्म सुपर हिट हो गई मगर उन्होंने दोबारा हिम्मत नहीं की। चले एक ब्रेक ले लेते क्योंकि वक्फा आपको पता है कि बड़ा जरूरी है और आप तो खुद भी आपको पता है कि आप जब प्रोग्राम करते हैं तो ब्रेक बहुत जरूरी होती है। तो हम आते ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Yeah.
100 on the FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat. अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अब बताते चलो कि हमारे प्रोग्राम का जो ये लास्ट ब्रेक थी और ये अब इसके बाद इंशाल्लाह हम 8-9 मिनट आपका मेरा साथ है, क्योंकि आज प्रोग्राम हमारा जो है वो थोड़ा सा वक्त से पहले जो है वो ख़त्म होगा, उसके बाद हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम पहले आपसे इजाज़त चाहेंगे और आधा घंटा पहले। अब्दुल कादिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया कहते हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे, आमीन आमीन। नियाज अहमद साहब के लिए बहुत जजाकल्ला। और उसके साथ साथ जो है फिर एक बुरी खबर ये कि आप सब तक पहुँच ही चुकी है कि जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, क्यों दूर दूर रहते हो हजूर मेरे कोलों, ये भी। और फिर जनाब शौकत अली साहब जो है वो कल हमें छोड़कर चले गए। हमारे मुल्क की एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी एक बहुत ही क्लासिक आवाज़, और वाकई मतलब इतनी ज़बरदस्त आवाज़, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ के क्या मैं क्या बताऊं आपको, फोक म्यूजिक का एक शहनशाह कहने चाहिए तो वो मतलब थे जो कल हमें छोड़कर चले गए। बेशुमार खूबसूरत उनके फोक गीत आप देखें, उन्होंने गज़ल भी गाई तो कितनी ज़बरदस्त गाई। मैं खासतौर पे गज़ल तो मैं खासतौर पे बहुत ज़्यादा जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, और उसके साथ साथ फिर दूसरा क्यों दूर दूर रहते हो, फिर उसके अलावा छोटी उम्र बेशुमार गाने, बेशुमार उनके फोक म्यूजिक देखा जाए तो बेशुमार हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जो है शौकत अली साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उनकी मगफ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लिए इस सफ़र में आसानियाँ पैदा करे। और साथ साथ उन तमाम हमारे लेजर्स के लिए जो जा चुके हैं, उसमें तमाम म्यूज़िक के भी हैं, हमारे एक्टिंग के भी हैं, और तमाम लोग जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफ़रत करे। और इससे कोविड के हवाले से अगर देखा जाए लास्ट इसमें बेशुमार हमारे बड़े बड़े लेजेंड जो हमसे जुदा हुए हैं, बेशुमार हमारे, अल्लाह ताला उन सब की मगफ़रत करें। और उसके साथ साथ जनाब फिर हम कुछ और मैसेज, आमिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन के कहते हैं शोभी भाई मेरी जानिब से लेजेंड मोहम्मद अली शैकी साहब को जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मिलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद है, अल्लाह ताला इन्हें मजीद इज्जत और कामयाबी अता करे जी, इलाही आमीन। और ये इसके साथ साथ जनाब बहुत शुक्रिया, और अब्दुल कादिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू जजाकल्ला। और उसके साथ राबिया थैंक यू वेरी मच, आपको भी खुश आमदी कहते बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और अब इस वक्त जो है वो शोज के हवाले से, क्या इस वक्त आप देखते हैं कि मैं मतलब एक सिंगर की जो इस वक्त जो लाइफ है वो इस वक्त क्या है सिंगर की लाइफ? कुछ नहीं, माजी के मुकाबले में तो अब नथिंग नथिंग, मतलब देयर इज नो वर्क सिंस 2019, बहुत कम काम है, सिवाय ये बड़े बड़े नाम बाबा अली जफर या आतिफ असलम के अलावा तो कोई काम नहीं है। वो भी 6 महीने में एक शो करते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं जो भी। हम जो रेगुलर आर्टिस्ट थे हमारे तरफ का काम ही नहीं है, ना स्टेज शोज है, ना इंडोर शोज है, ना आउटडोर शोज है, ना गैदरिंग सारी ऑफ हो चुकी, टेलीविजन का खत्म, टेलीविजन से करंट अफेयर पकड़ लेके बैठ गए हैं बस, उनको सेंसेशनलाइज करते हैं ज्यादा। और वो भी जाहिर है आवाम को अब जिस तरफ ले जाओगे आवाम उस तरफ जाएगा, क्योंकि मीडिया इज वेरी पावरफुल, तो अब इतनी जरूरत नहीं महसूस होती। मगर आप देखें दूसरे मुल्कों में, हमारे हमसाए मुल्क में उन्होंने अपने म्यूजिक को कहाँ रखा हुआ है, देखें आज भी टॉप टॉप मोस्ट काम उनका वही है। इस तरह कॉमेडी शोज भी हमारे ख़त्म हो गए हैं, मतलब ये एंटरटेनमेंट इज टोटली फिनिश्ड। और जो जो करंट अफेयर्स में तो डर और खौफ ही हमें नजर आता है। आप क्या समझते हैं कि इससे को अगर सही तौर पर प्रमोट करने में या इसको सही तौर पर आगे पहुंचाने में हमारी हुकूमत का कोई किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री के हवाले से। आपको बात बताऊं जो जो अनफॉर्चुनेट बात है इस मुल्क में, जो भी पार्टी आती है जीतती है ना, पहले तो अपना जब जान बचाने में लगी होती है, उससे पहले दिन से उनको पकड़ के उसकी टांग खींच रहे होते हैं ऑपोजिशन, वो कुछ कर ही नहीं पाते, और बड़ी मुश्किलों से कुछ कर भी पाते तो उस वक्त उनको वो
उतार देते हैं। ये बहुत नामुनासिब बात है, अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। अगर किसी पार्टी जो भी हुकूमत आई है वो 5 साल के लिए आई है, कम से कम उनको काम तो करने दो। पहले दिन से आप बोलो उतरो और रिजाइन कर दो और यूं हो जाओ हो जाओ, ये मतलब ये कि वो काम नहीं कर पाते। मतलब घर लिया नहीं अभी और फौरन खाली कर दो, खाली कर दो। ये भी 5 साल तो कंप्लीट करने दो कम से कम, देन यू आज तक आए आपने क्या किया तो पहले क्या उसमें। खैर तो यह बड़ा लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को जो है हमारे इमरान खान साहब को चाहिए खासतौर पर फनकार बिरादरी के हवाले से, इंडस्ट्री म्यूजिक की हो या फिल्म की हो या ये शोबिज इंडस्ट्री, इसको उन्हें इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए इसको, क्योंकि आखिर इसमें इस हवाले से 1 लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद के घर चल रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और ये एक मईशत का हिस्सा भी है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है, और हर जगह देखें हमारा कल्चर जो है वो हमारे मुआशरे को एक सही तौर पर अगर सही उजागर करता है या उसको बेहतर बनाता है, इसमें कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कल्चर तौर पर देखा जाए तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे और इसको प्रमोट करे, और इसमें तमाम जितने फनकार लोग हैं, चाहे वो कोई भी टेक्निकल लोग हैं, कोई भी लोग हैं, उनको उनके लिए कोई एक बेनिफिट हो, कोई उनके लिए कोई एक इदारा बने जो वहाँ पर उनको बेनिफिट मिले, उनको सहूलियात मिले। मगर देखें अल्लाह करे कि कभी ऐसा हो, सरकारें भी बने हुए, आर्ट काउंसिल भी बना हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ है, मगर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट अस ना, कि हाँ वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम लोग बिल्कुल ही अलग लोग हैं, ना हमारी जिंदगी सर्टेन है, ना हमारा कोई फ्यूचर है, ना हमें कोई पेंशन मिलेगा, ना हमें हम कभी रिटायर होंगे। हम रिटायर उस वक्त होते हैं जब मरने वाले होते, बस बस बस, और दुनिया से रिटायर हो जाते हैं। दवाई के लिए भीख चल रहा होता है, चैरिटी चल रही थी, सही बात है, बड़े अफसोस का मकाम है, दुख का मकाम है ये। We should be accepted as a trade. This is a big, huge trade in the world. Music और ये जो भी है, it is the biggest business in the world. Film business जो है, it is the biggest business, the mother of all businesses कहते हैं। सही बात है। बिल्कुल ऐसी तो नहीं है बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कोई आप मैसेज देना चाहें तो अपने जो आपके लिसनर्स भी हैं और आपके फैंस भी हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए। बहुत शुमार बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग देखेंगे बाद में भी। जी बिल्कुल, अभी 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 मेरे जहन में आया है कि ये इतना सारा जब करंट अफेयर देख रहे हैं, ये सियासी वो सियासी सियासत, इसको खुदा के लिए थोड़ा सा गैप दें और म्यूजिक की तरफ आए। म्यूजिक जो है ना आपकी रविश को चेंज करता है, आपको ग्रोथ देता है, आपका हेल्थ ठीक करता है, आपका माइंड ठीक करता है। इट गिव्स यू पैसिफिकेशन इन योर माइंड एंड इट रिलैक्सेस योर माइंड, क्योंकि वो दूसरी चीजें वो उसके अंदर डर खौफ खदशा एंग्जाइटी पता नहीं क्या क्या है, बट व्हेन यू कम टू म्यूजिक और गुड फिल्म्स, माइंड यू गुड म्यूजिक गुड फिल्म गुड लिरिक्स गुड डायलॉग्स, कोई फहाशी है दैट शुड बी डिस्कार्डेड आउट ऑफ योर सिस्टम, बिल्कुल आप इसकी तरफ भी आए ताकि ये भी चीज़ दोबारा से अपनी जगह आए जिस तरह ये थी। वो ज़माना मुझे याद है कि हमें तो फुर्सत नहीं होती थी, हम रमज़ान को वेकेशन कहते थे। जी मेरा यही पैगाम था आपका, और जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और एक बार फिर FM100 पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी जानिब से और पूरी टीम की जानिब से, तमाम लिसनर्स व्यूअर्स की जानिब से आपको एक बार फिर बहुत बहुत परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा आपको ज़्यादा इज्जत दे और ज़्यादा आपको ऐसे बहुत सारे अवार्डों से नवाजा जाए, हमारी दुआएं हमें, क्यों आप हमारा यकीनन हमारा एक लेजेंड है और हमारा सरमाया है और फनकार अपने मुल्क का एक बड़ा कीमती सरमाया, तो हमें बड़ा शुक्रिया उसकी कदर करनी चाहिए। सदर मोहतरम का, इमरान खान साहब का और जितने भी लोग इसमें थे जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की पब्लिक का शुक्रिया, अवाम का शुक्रिया। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। FM 100.